Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is play A Strange Trial by Lewis Carroll. So here strange means ajeeb, trial means musibat. Ek ajeeb musibat. This is a play of 8th class, the Jammu and Kashmir State Board of School Education. So let's get started. Children of all ages as well as adults have been delighted and calmed by Lewis Carroll's Alice in Wonderland. The author invented this story to amuse Alice, a 10-year-old girl. The little girl Alice in the story has a strange and wonderful dream which begins with her following a rabbit into its hole. She finds herself in a new world where she meets all kinds of unusual creatures who talk to her and lead her into a series of adventures. In this play, we see Alice attending a strange trial. Enter Alice in front of the curtain looking lost and bewildered. सभी उम्र के बच्चे और बड़े लुईस कैरोल की एलिस इन वंडरलैंड पढ़कर आनंदित तथा मोहित हुए हैं। लेखक ने ये कहानी एक 10 उम्र की लड़की एलिस की खुशी के लिए बनाई थी। कहानी में नन्ही लड़की एलिस एक अजीब और अनोखा सपना देखती है जो कि शुरू होते ही उसके द्वारा एक खरगोश का पीछा करते हुए उसके बिल में जाने से है। वह अपने आप को एक नई दुनिया में पाती है जहां वह हर किस्म के असाधारण प्राणियों से मिलती है जो कि उससे बातचीत करते हैं और साहसी कारनामों की एवं श्रृंखला में ले जाते हैं। इस नाटक में एलिस एक विचित्र मुकदमे का सामना कर रही है। दिस प्रोज स्टार्ट विद एलिस। डियर डियर, हाउ क्वीर एवरीथिंग इज टुडे। आई वंडर इफ आई हैव बीन चेंज इन द नाइट। लेट मी थिंक, वॉज आई सेम When I got up in the morning, I remembered following a white rabbit. I entered the rabbit hole behind it. Then I saw a whole lot of odd creatures who said odd things and even acted oddly. I talked to a king and a queen and attended the mad tea party. I remember drinking a strange liquid which made me grow smaller. Then I ate a cake and began to grow larger again. Oh dear, I feel so different. But if I am not the same, the question is who in The world am I? Ah, that's the puzzle. Queer होता है अजीब, hole होता है bill, puzzle होता है पहेली. Dear dear, आज सब कुछ कितना अजीब है. मुझे हैरानी हो रही है कि मैं रात को बदल तो नहीं गई हूँ. मुझे ज़रा सोचने दो, क्या मैं वही थी जब मैं आज सुबह जागी थी? मुझे याद है कि मैं एक सफ़ेद खरगोश का पीछा कर रही थी. मैं खरगोश का पीछा करते करते उसके बिल में घुस गई. फिर मैंने अजीब प्राणियों के एक पूरे समूह को देखा जो कि अजीब सी बातें कर रहे थे और अजीबोगरीब तरह से व्यवहार भी कर रहे थे. मैंने एक राजा तथा एक रानी से बात की और मैड टी पार्टी में भी गई. मुझे याद है कि मैंने एक अनोखा तरल पदार्थ पिया जिससे मैं छोटी सी बन गई. फिर मैंने एक केक खाया और दोबारा बड़ी होने लगी. आई एम श्योर आई एम नॉट अदा फॉर शी हैज़ लॉन्ग रिंगलेट्स एंड आई एम श्योर आई कॉन्ट बी मेबल फॉर आई नो सो मच एंड शी नो सो लिटल Besides, she and I am I. And oh, how puzzling all is. This कहती है, ओ प्रिये, मैं बहुत अलग सा महसूस कर रही हूँ. अगर मैं वही नहीं हूँ, अब प्रश्न ये उठता है, फिर मैं इस दुनिया में हूँ कौन? ओह, यही तो पहेली है. मुझे विश्वास है कि मैं अदा नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाल तो लंबे हैं. और मुझे विश्वास है कि मैं मेबल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानती हूँ और वह बहुत कम जानती है. इसके अलावा वह और मैं हूँ. ये सब कुछ कितना पहेली जैसा लग रहा है. लेट मी सी इफ़ आई नो ऑल द थिंग्स आई यूज टू नो. 4 times 5 is 12 एंड 4 times 6 is 13. दैट्स रॉन्ग. आई नो. लेट्स ट्राई ज्योग्राफी. लंडन इज़ द कैपिटल ऑफ पेरिस एंड पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ रोम. एंड नो, दैट्स ऑल रॉन्ग टू. विल समवन टेल मी व्हाट्स हैपनिंग. चलो देखते हैं कि मैं जो पहले जानती थी मैं अब भी जानती हूँ या नहीं. 4 5 होते हैं 12 और 4 6 होते हैं 13. ये तो गलत है, मैं जानती हूँ. चलो भूगोल में कोशिश करते हैं. लंदन है पेरिस की राजधानी और पेरिस है रोम की राजधानी. ओह नहीं, ये सब भी गलत है. क्या कोई मुझे बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? वॉइसिस ऑफ स्टेज. द ट्रायल्स बिगनिंग. एलिस, व्हाट्स ट्रायल इज दिस? ग्रिफन, कम ऑन एलिस, वेयर आर वी गोइंग? मंच के बाहर से मुकदमा शुरू हो रहा है. एलिस,
ये कैसा मुकदमा है? ग्रिफिन, चलो। एलिस, हम कहाँ जा रहे हैं? ग्रिफिन, चलो जल्दी करो। ग्रिफिन, कम ऑन हरी। कर्टन्स ओपन, चलो जल्दी करो, पर्दे उठते हैं। द सीन इज सेट लाइक अ कोर्ट सीन। द किंग एंड क्वीन ऑफ हार्ट सिट ऑन देयर थ्रोन्स विद द होल पैक ऑफ कार्ड्स अराउंड देम। द नेव स्टैंड्स बिफोर देम इन चेन्स विद द सोल्जर गार्डिंग हिम ऑन ईच साइड। द वाइट एबिट स्टैंड नियर द किंग होल्डिंग अ ट्रम्पेट एंड अ स्क्रॉल। 12 क्रिएचर बर्ड्स एंड बीस सिट बिहाइंड अ लॉन्ग टेबल। अ लार्ज डिश ऑफ टार्ट्स लाइज ऑन द टेबल। एलिस एंटर ड्रैग्ड इन बाय ग्रिफिन। दृश्य को न्यायालय के दृश्य के जैसा बनाया गया है। पान के राजा और रानी अपने अपने आसनों पर बैठे हैं। उनके इर्द गिर्द ताश के सारे पत्ते भी मौजूद हैं। उनके सामने जोकर जंजीरों में जकड़े हुए खड़े हैं और उसकी रक्षा में दोनों तरफ एक एक सैनिक खड़ा है। सफ़ेद खरगोश बादशाह के नज़दीक खड़ा है, हाथों में एक बिगुल और एक सूची पत्र पकड़े हुए। 12 जीव पंछी या जानवर एक लंबे मेज के पीछे बैठे हैं। एलिस और ग्रिफिन के द्वारा घसीट कर लाया जाता है। एलिस, ओ माई गुडनेस, इट्स हैपनिंग अगेन टू ऑडियंस। आई एम श्योर यू हैवंट मेट दिस पीपल बिफोर। आई हैव प्राउडली, लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। दिस इज द किंग ऑफ हार्ट्स। ही इज़ अ काइंड किंग बट नॉट वेरी क्लियर। लुक, ही इज़ वेयरिंग अ विग। ही मस्ट बी द जज टूडे। एंड दिस इज़ अ क्वीन ऑफ हार्ट्स। She loves to say off with their heads if she doesn't like you, so you would better be careful. Points to the knave, and this poor man is a prisoner who has been caught for stealing. Those two officers are guarding him, and these are my dear friends. Points to the white rabbit. Meet the white rabbit, he is so very clever. She takes Griffin by the hand. And Mr. Griffin, you don't often see wonderful creatures like these here. Alice goes up to the jury box. I am sure you were wondering what these creatures are doing. They are supposed to be the jurors. The juryman writes busily on the slates. अरे मेरे भगवान, ये फिर से घटित हो रहा है दर्शकों से। मुझे विश्वास है कि तुम पहले कभी इन लोगों से नहीं मिले हो, मगर मैं मिली हूँ। गर्व से बोलते हुए मैं तुम्हें उनका परिचय करवाती हूँ। ये है पान के बादशाह। ये एक दयालु राजा है, परंतु ज़्यादा चतुर नहीं। देखो, उसने नकली बालों की टोपी पहन रखी है। आज ज़रूर यही न्यायाधीश होंगे। और ये है पान की बेगम। ये कहना पसंद करती हैं इनके सर कलम कर दो। अगर ये आपको पसंद नहीं करती तो इसलिए बेहतर है कि तुम सावधान रहो। गुलाम की तरफ इशारा करती है। और ये बेचारा आदमी कैदी है जिसे चोरी के कारण पकड़ा गया है। वह दो अधिकारी उसकी चौकसी कर रहे हैं। और ये मेरे प्रिय मित्र है, सफ़ेद खरगोश की तरफ इशारा करती है। सफ़ेद खरगोश से मिलो, ये बहुत चतुर है। वह ग्रिफिन का हाथ पकड़कर ले जाती है। और मिस्टर ग्रिफिन, इनके जैसे विचित्र प्राणी यहाँ आपको प्रायः देखने को नहीं मिल सकते। एलिस न्यायाधीशों के कक्ष में जाती है। मुझे विश्वास है तुम्हें हैरानी हो रही है कि ये जीव कौन है। कह सकते हैं कि ये पंच न्यायाधीश हैं। पंच अपनी स्लेटों पर लिखने में व्यस्त हैं। एलिस इन स्टेज विस्पर टू ग्रिफिन, व्हाट आर दे राइटिंग? द ट्रायल हैजंट बिगन एज येट। ग्रिफिन, दे आर पुटिंग डाउन देयर नेम्स फॉर फियर दे शुड फॉरगेट देम बिफोर द एंड ऑफ द ट्रायल। एलिस, स्टूपिड थिंग्स। एलिस पिक्स अप द डिश ऑफ टार्ट्स एंड स्मेल्स इट। शी टर्न्स टू द ऑडियंस। दीज आर द टार्ट्स which the knave must have stolen. I wish they would get the trial done and hand out the refreshments. White rabbit, silence in court. The king puts on his spectacles and looks around. King, read the accusation. Alice मंच पर ग्रिफिन से बात करती है। वह क्या लिख रहे हैं? मुकदमे अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। ग्रिफिन, वह अपना नाम लिख रहे हैं इस डर से कि मुकदमे के ख़त्म होने तक कहीं वह उन्हें भूल ना जाए। एलिस, मूर्खतापूर्ण बातें। एलिस कचौड़ियों की प्लेट उतारती है और उसे सूंघती है। वह दर्शकों की तरफ घूमती है। ये कचौड़ियाँ हैं जो कि आवश्यक ही जोकर ने चुराई होंगी। काश वह मुकदमा ख़त्म कर दें और खाने पीने का सामान बांट दें। सफ़ेद खरगोश, न्यायालय में शांति हो। वाइट रैबिट, ब्लोज
three blasts on the trumpet, unrolls scroll and reads the Queen of Hearts. She made some tarts all on a summer's day. The Knave of Hearts, he stole those tarts and took them quite away. King, to Jerry, consider your verdict. White Rabbit, not yet, there's a great deal to come. King, call the first witness. White Rabbit, blow three blasts on the trumpet. First witness, enter Mad Hatter with a teacup in one hand and a piece of bread and butter in the other. Alice, to audience, that's the Mad Hatter? He is quite mad. Hatter, I beg pardon, Your Majesty, for bringing this in, but I had not quite finished my tea when I was sent for. King, you ought to have finished. When did you begin? March here walks in arm with Dormouse. Raja अपना चश्मा पहनते हैं और इधर उधर देखते हैं. आरोप पढ़कर सुनाया जाए. सफ़ेद खरगोश तीन बार बिगुल बजाता है, सूची पत्र खोलता है और उसे पढ़ता है. पान की रानी, उसने कुछ कचौड़ियाँ बनाई गर्मियों के एक दिन. पान का जोकर, उसने उन कचौरियों को चुरा लिया और उन्हें चुपचाप उठाकर ले गया. राजा पंचों से, अपने निर्णय पर विचार कर लें. सफ़ेद खरगोश, अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है. राजा, पहले गवाह को बुलाओ. सफ़ेद खरगोश तीन बार बिगुल बजाता है, पहला गवाह हाजिर हो. मैड हेटर एक हाथ में चाय का प्याला तथा दूसरे हाथ में डबल रोटी का एक टुकड़ा और मक्खन पकड़े हुए प्रवेश करता है. एलिस, आई नो दोज टू, द लार्ज वन विल लॉन्ग ईयर्स इज द मार्च हेयर. He is crazy too. The little one is the Dormouse. He can never keep awake. You will see. King, loudly, when did you begin? Hatter, 14th of March. March here, 15th. Dormouse, 16th. They sit down and Dormouse fall asleep promptly. King, to Jerry, write that down to Hatter. Take off your hat. Hatter, it isn't mine. King, stolen to Jerry, write that down. Hatter, please, Your Majesty, I keep them to sell. I have none of my own. I am a hater. Alice, दर्शकों से, वह है मैडम हेटर. वह बिल्कुल पागल हैं. हेटर, महाराज, मैं इन चीज़ों को आनंद लाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु जब मुझे बुलावा भेजा गया तब तक मैंने अपना चाय ख़त्म नहीं की थी. राजा, तुम्हें ख़त्म कर लेना चाहिए थी. तुमने कब पीनी शुरू की थी? कुछ हेयर डोरमाउस के साथ हाथों में हाथ डाले हुए प्रवेश करता है. एलिस, मैं उन दोनों को जानती हूँ. बड़ा वाला, जिसके कान लंबे हैं, मार्च हाउस है, वह सनकी भी है. वह छोटा वाला डोरमाउस है. वह कभी जागता नहीं रह सकता. तुम चाहे देख लेना. राजा चिल्लाते हुए, तुमने कब पीनी शुरू की थी? हेटर, 14 मार्च को. मार्च हाउस 15 को. डोरमाउस 16 को. वह बैठ जाते हैं और डोरमाउस तुरंत ही सो जाता है. क्वीन पुट्स ऑन स्पेक्टेकल्स and stares hard at the hater, who begins to fidget. King, give your evidence and don't be nervous, or I will have you executed on the spot. Hater shifts from foot to foot, looks uneasily at the queen, and in this nervousness takes a bite of his teacup instead of the bread and butter. Dormouse to Alice, I wish you wouldn't squeeze so much. I can't hardly breathe. Alice, I can't help it. I am growing. Dormouse, you have no right to grow here. Alice, don't talk nonsense. You know that you grow too. Dormouse, yes, but I grow at reasonable pace, not in the ridiculous fashion. Gets up and crosses to the other side. King, angrily, give your evidence or I will have you executed whether you are nervous or not. Hater, I am a poor man, Your Majesty. When I began my tea, the March Hare said, March Hare, I didn't. राजा पंचों से, इसे लिख लो. हेटर से अपना हेट उतारो. हेटर, ये मेरा नहीं है. राजा, चुराया है. पंचों से, इसे लिख लो. हेटर, आपसे प्रार्थना है महाराज, मैं इन्हें बेचने के लिए रखता हूँ. कोई भी मेरी नहीं है. मैं एक हेटर टोपियाँ बनाने वाला हूँ. रानी अपने चश्मा पहनती है और हेटर घूर रही होती है, जो कि बेचैन होने लगता है. राजा, अपनी गवाही पेश करो और घबराओ नहीं, वरना मैं इसी समय तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा. हेटर कभी एवं पाँव पर और कभी दूसरे पाँव पर खड़ा होता है, रानी की तरफ बेचैनी से देखता है और घबराहट में डबल रोटी तथा मक्खन की जगह चाय के कप को काट लेता है. हेटर, यू डिडंट. मार्च हियर, आई डिनाइड इट. किंग, टू ज्यूरियस, ही डिनाइज इट.
hatter, and actually, at any rate, the Dormouse said. Dormouse snorts loudly, and then I cut some more bread and butter. Jury, and what did the Dormouse say? Hatter, that I can remember. King, you must remember, or I will have you executed. Hatter drops a teacup and bread and butter and goes down on one knee. Hatter, I am a poor man, your majesty. Hatter, मैं एक गरीब आदमी हूँ महाराज. जब मैंने चाय पीनी शुरू की थी तो मार्च हेयर ने कहा. मार्च हेयर, मैंने नहीं कहा. हैटर, तुमने कहा था. मार्च हेयर, मैं इनकार करता हूँ. राजा पंचों से, वह इनकार करता है. हैटर, किसी भी कीमत पर. डोरहाउस ने कहा. डोरहाउस जोर जोर से खराटे लेता हुआ, और फिर मैंने थोड़े और डबल रोटी और मक्खन को काटा. पंच, और डोरमाउस ने क्या कहा? हैटर, वह मुझे याद नहीं है. राजा, तुम्हें याद आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा. हैटर चाय का कप तथा डबल रोटी और मक्खन गिरा देता है और एक घुटने के बल झुक जाता है. किंग, यू आर अ वेरी पुअर स्पीकर. एलिस, दैट्स द फर्स्ट वाइज थिंग द किंग हैज सेड टुडे. किंग, इफ दैट्स ऑल यू नो, यू मे स्टैंड डाउन. हैटर, आई कांट गो लोअर. आई एम ऑन द फ्लोर एज इट इज. किंग, देन सिट डाउन. हैटर, आई वुड rather finish my tea. King, you may go. Hatter hurries off queen and take his head off outside. King, call the next witness. Hatter, मैं एक गरीब आदमी हूँ महाराज. राजा, तुम एक नलायक व्यक्ता हो. Alice, ये पहली समझदारी वाली बात है जो राजा ने आज कही है. राजा, अगर तुम इतना ही जानते हो तो तुम गटगरे में बाहर जा सकते हो. Hatter, मैं इससे नीचे नहीं जाता, मैं पहले से ही फर्श पर हूँ. राजा, तो नीचे बैठ जाओ. हैटर, मैं अपनी चाय ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा. राजा, तुम जा सकते हो. हैटर शीघ्रता से चला जाता है. रानी, और बाहर उसका सर उड़ा दो. राजा, अगले गवाह को बुलाओ. वाइट रैबिट ब्लो स्ट्रम्फेट. नेक्स्ट विटनेस एंटर कुक. शी कैरीज अ लार्ज पेपर पॉट. एवरीवन बिगिंस टू स्नीज. एलिस, दैट्स द डचेस कुक. शी लव्स टू पुट पेपर इनटू एवरीथिंग. किंग, Give you evidence. Cook shall not. White Rabbit, your majesty must cross examine the witness. King, well, if I must, I must frown and look at cook. What are tarts made of? Cook, pepper mostly. Dormouse, sleepily tiracle. Queen, collar that Dormouse. Behead the Dormouse. Pinch him off with his whiskers. Court in confusion, they chase Dormouse and throw him out of the court. In the general confusion, कुक एस्केप्स. सफेद खरगोश बिगुल बजाता है. अगला गवाह हाजिर हो प्रवेश करता है. उसके हाथ में मिर्ची का एक बड़ा बर्तन है. हर कोई छींके मार रहा होता है. एलिस, वह सामंत का पत्नी की कुक है. वह हर चीज में मिर्ची डालना पसंद करता है. राजा, अपनी गवाही दो. कुक, नहीं दूंगा. सफेद खरगोश, महाराज आपको गवाह से सवाल करने चाहिए. हाँ, अगर मुझे सवाल पूछना है तो मैं जरूर पूछूंगा. कचौड़ियाँ किस चीज से बनती हैं? बावर्ची यानी कुक, ज़्यादातर मिर्च से. डोरमाउस, सोते हुए शीरे से. पानी, उस डोरमाउस को कसकर पकड़ लो. डोरमाउस का सिर दर से अलग कर दो. उसे गिरफ्तार कर लो. उसकी मूछें उखाड़ लो. न्यायालय में अफरा तफरी मच जाती है. वह डोरमाउस का पीछा करते हैं और उसे न्यायालय से बाहर फेंक देते हैं. इस सब और अफरा तफरी में बावर्ची बचकर भाग जाता है. किंग, Where's the witness? She had disappeared. Relieved, never mind, call the next witness. To Queen, really my dear, you must examine the next witness. My forehead aches so. White Rabbit, blow trumpet, Alice jumps up in surprise here. She crosses over the jury box. The jury falls in all direction. Alice, oh, I beg your pardon. King, the trial cannot proceed until all the jury men are back in their proper places. All Alice arrange jurors in jury box and hands over slates and pencils. King, what do you know about this business? Alice, nothing. King, nothing whatever. Raja, गवाह कहाँ है? वह कहाँ गायब हो गई है? कोई बात नहीं, अगले गवाह को बुलाओ. रानी से, सचमुच मेरी प्रिय, अगले गवाह से सवाल तुम्हें पूछने चाहिए. मेरा तो माथा बहुत दुख रहा है. सफ़ेद खरगोश बिगुल बजाता है. एलिस हैरानी से उछल पड़ती है. ये मैं यहाँ हूँ. वह पंचों के कक्ष को पार करती है. पंच सभी दिशाओं में गिरते पड़ते हैं. एलिस, ओह, मैं माफ़ी चाहती हूँ. राजा, मुकदमे की कार्रवाई
आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि सभी पंच वापस अपने अपने स्थानों पर नहीं आ जाते। राजा, तुम इस काम के बारे में क्या जानती हो? एलिस, कुछ भी नहीं। राजा, बिल्कुल भी नहीं। नथिंग वॉट एवर। किंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट दैट डाउन। वाइट रैबिट, फ्रोइंग एंड मेकिंग साइंस अन इम्पॉर्टेंट योर मैजिस्ट्री। किंग, ऑफकोर्स आई मेंट अन इम्पॉर्टेंट, रिपीट फॉर हिमसेल्फ। इम्पॉर्टेंट अन इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट अन इम्पॉर्टेंट। साइलेंस रूल 42, ऑल पर्सन मोर देन अ माइल हाई मस्ट लीव द कोर्ट। एलिस, आई एम नॉट अ माइल हाई। किंग, यू आर। क्वीन, नियरली 2 miles हाई। एलिस, वेल आई शैल नॉट गो एट एनी रेट। बिसाइड दैट्स नॉट अ रेगुलर रूल, यू इन्वाइटेड इट जस्ट नाउ। इट्स द ओल्डेस्ट रूल इन द बुक। एलिस, देन इट ऑट टू बी नंबर 1। किंग टू जेरी, कंसिडर योर वर्डिक्ट। राजा, बिल्कुल भी नहीं। एलिस, बिल्कुल भी नहीं। राजा, पंचों से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे लिख लो। सफ़ेद खरगोश, माथे पर बल डालता हुआ तथा इशारे करता हुआ। महत्वहीन महाराजा। राजा, निश्चय ही मेरा मतलब था महत्वहीन, महत्वपूर्ण, महत्वहीन। शांति नियम ने 42 सभी लोगों जो कि 1 mile से ज़्यादा ऊंचे हैं न्यायालय छोड़कर चले जाएं। एलिस, मैं 1 mile ऊंची नहीं हूँ। राजा, तुम हो। रानी, लगभग 2 mile ऊंची। एलिस, खैर मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। इसके अलावा ये एक निश्चय नियम है, तुमने इसे अभी अभी बनाया है। राजा, किताब में ये सबसे पुराना नियम है। एलिस, फिर तो इसका नंबर 1 होना चाहिए। राजा, पंचों से, अपने निर्णय के बारे में सोच लीजिए। वाइट रैबिट, देयर्स मोर एविडेंस प्लीज योर मैजिस्ट्री, हियर्स अ पीस ऑफ पेपर, इट मस्ट बी अ लेटर रिटन बाय द प्रिजनर। किंग, इज इट इन द प्रिजनर्स हैंड राइटिंग? वाइट रैबिट, नो इट इज नॉट। जूरी लुक पजल्ड। किंग टू नेव, यू मस्ट हैव इमिडिएटेड समबडीज हैंड राइटिंग। जूरी लुक हैप्पी। नेव, प्लीज योर मैजिस्ट्री, आई डिडंट राइट इट एंड आई कैन प्रूव इट, देयर्स नो नेम signed at the end. King, if you didn't sign it, that only makes the matter worse. You should have signed your name like an honest man. Everyone claps hand. Queen, that proves his guilt. एक खरगोश, बहुत से परिणाम हैं कृपया महाराजा, ये एक कागज़ का टुकड़ा है, ये अवश्य है कि कैदी के द्वारा लिखा गया पत्र होगा। राजा, क्या ये कैदी के हाथों की लिखावट है? सफ़ेद खरगोश, नहीं ये नहीं है। पंच परेशान दिखाई देते हैं। राजा, गुलाम से, तुमने अवश्य ही किसी के हाथों की लिखावट की नकल की होगी। पंच प्रसन्न दिखते हैं। गुलाम, आपसे विनती है महाराज, मैंने इसे नहीं लिखा है और मैं इसे साबित कर सकता हूँ, अतः मैं किसी के नाम का हस्ताक्षर नहीं है। राजा, अगर तुमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए तो इसमें मामला और बिगड़ जाता है। तुम्हें एक ईमानदारी व्यक्ति की भांति हस्ताक्षर करने चाहिए थे। हर कोई ताली बजाता है। इससे कुछ भी साबित नहीं होता है, आप नहीं जानते कि यह किस बारे में है। एलिस, इट प्रूव्स नथिंग, यू डोंट नो व्हाट इट्स अबाउट। किंग, रीड। वाइट रैपिड, वेयर शैल आई बिगिन? किंग, सीरियसली, बिगिन एट द बिगनिंग एंड गो ऑन टिल द एंड, देन स्टॉप। रैपिड रीड्स द नोट एंड पास इट टू द किंग, हु टर्न्स द नोट अपसाइड डाउन एंड रीड्स। किंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस यू हैव हैड टूडे। एलिस, ग्रैब्स नोट एंड ट्राइज टू रीड इट, शी टर्न्स द पीस ऑफ पेपर अपसाइड डाउन, sideways and dragonly. If anyone can explain, I don't believe there's any meaning in it. King, if there's no meaning, all the better, let the jury consider their verdict. Queen, no, sentence first. Alice, stuff and nonsense, what is the idea of having the sentence first? Queen, hold your tongue. Alice, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है, आप नहीं जानते कि ये किस बारे में है। राजा, पढ़ो। सफ़ेद खरगोश, मैं कहाँ से शुरू करूँ? राजा, शुरू से आरम्भ करके अंत तक पढ़ो, फिर रुक जाओ। खरगोश नोट को पढ़ता है और फिर राजा के को दे देता है, जो कि नोट का उल्टा करके पढ़ता है। राजा, ये हमें आज के दिन मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबूत है। एलिस नोट को छीन लेती है और पढ़ने की कोशिश करती है, वह कागज़ को उल्टा दोनों तरफ से और तिरछा करती है। काश कोई मुझे समझा पाता, मैं नहीं मानती कि इसमें कुछ अर्थ छिपा है। राजा, अगर इसमें कोई अर्थ नहीं है फिर तो और भी अच्छी बात है, पंचों को अपने निर्णय पर सोच लेने दो। रानी, नहीं, पहले दंड। बकवास, पहले दंड सुनाने का क्या विचार है? रानी, अपनी जबान को लगाम दो। एलिस, आई वॉन्ट। क्वीन, शाउटिंग ऑफ विद हर हेड। एलिस, होल्डिंग हर सेल्फ स्ट्रेट। हु केयर्स फॉर यू, यू नथिंग पुट अ पैक ऑफ कार्ड्स, द होल पैक ऑफ कार्ड्स एंड ऑल द एनिमल्स फॉल अपॉन एलिस। एलिस स्क्रीम्स एंड ट्राइज टू बीट देम ऑफ, दे रन इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिसअपीयर। स्टेज लाइट्स डिम, एलिस इज स्टिल हिटिंग आउट एंड स्ट्रगलिंग। एंटर गर्ल, गर्ल वेक अप एलिस डियर, वाई वॉट अ लॉन्ग स्लीप यू हैव हैड। एलिस वेकिंग अप, ओ आई हैव हैड सच अ क्यूरियस ड्रीम, आई मस्ट टेल यू ऑल अबाउट इट। कर्टन ड्रॉप्स।
रानी अपनी जवान को लगाम दो, एलिस नहीं दूंगी, रानी चिल्लाते हुए इसका सिर उड़ा दो। एलिस स्वयं को सीधा रखते हुए, तुम्हारी परवाह कौन करता है, तुम एक ताश की गड्डी के सिवाय और कुछ नहीं हो। ताश की सारी गड्डी और सभी जानवर एलिस के ऊपर गिर पड़ते हैं। एलिस चिल्लाती है और उन्हें पीटकर भागने की कोशिश करती है। वह अलग अलग दिशाओं में भागते हैं और गायब हो जाते हैं। मंच पर हल्का सा प्रकाश होता है। एलिस अभी भी हाथ पैर मार रही है। एक लड़की प्रवेश करती है। एक लड़की, जागो प्रिय एलिस, क्यों आज तुम इतनी देर तक सोई हो। एलिस जागते हो, ओह मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा है, मैं तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। पर्दा गिरते हुए, सो हेयर योर प्लेस एंड्स, होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।